आज के समय में IPL दुनिया की सबसे बड़ी T20 लीग है। यदि IPL 2023 की बात करें तो 200 से अधिक देसी विदेशी खिलाड़ी इसमें शामिल हुए। जानकारी के मुताबिक एक टीम खिलाड़ियों की सैलरी पर एक साल में 95 करोड़ रुपए खर्च कर सकती है। इस तरह से सभी 10 टीमें सैलरी के तौर पर खिलाड़ी को हर साल 950 करोड़ रुपए देती है। सूत्रों की माने तो IPL टीमें अब नए मॉडल पर काम कर रही है। वह सिर्फ एक टूर्नामेंट के लिए खिलाड़ियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहती, बल्कि वह उन्हें साल भर अपने साथ जोड़े रखना चाहती है, क्योंकि उनकी टीमें दुनिया के अन्य लीग में भी उतर रही है। ऐसे में वे खिलाड़ी हर लीग में एक ही टीम से खेल सकेंगे, इसके लिए अब रोजाना बनाई जा रही है। टाइम्स की खबर के अनुसार IPL टीमों की ओर से इंग्लैंड के 6 खिलाड़ियों को इस तरह के ऑफर दिए हैं। इसके लिए उन्हें हर साल अधिकतम 51 करोड़ रुपए तक मिल सकते हैं। आपको बता दें कि यह राशि इंग्लैंड बोर्ड से मिलने वाली राशि से 5 गुना अधिक है। इस मॉडल पर दुनिया भर में काफी चर्चा भी हो रही है। यह फुटबॉल मॉडल की तरह है, जहां साल भर खिलाड़ी क्लब के लिए खेलते हैं और इंटरनेशनल मुकाबलों के लिए रिलीज कर दिए जाते हैं। जानकारी के मुताबिक इस साल के अंत तक खिलाड़ियों को इस तरह की पेशकश की जा सकती है। IPL टीमें भारत के अलावा UAE, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज और अमेरिका में भी उतर रही है। IPL टीमें खिलाड़ियों को कम से कम 5 टूर्नामेंट के लिए साइन कर सकती है, जहां उन्हें साल में लगभग 7 महीने खेलना पड़ सकता है। IPL आने वाले वर्षों में 10 सप्ताह का होने जा रहा है। इसके अलावा सऊदी अरब भी बड़ा T20 टूर्नामेंट शुरू करने की तैयारी में है। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के मुख्य कार्यकारी रिचर्ड्स गोल्ड ने पिछले हफ्ते कहा था कि हम ग्लोबल टूर्नामेंट के कारण चिंतित हैं। कुछ खिलाड़ियों को लंबा कॉन्ट्रैक्ट तो मिलेगा ही, साथ ही उनकी फीस में भी बढ़ोतरी हो सकती है। अधिनियम के मुताबिक किसी भी खिलाड़ी को IPL में उतरने के लिए घरेलू बोर्ड से NOC हासिल करनी होती है। IPL 2023 की बात करें तो इंग्लैंड के 11 खिलाड़ी इसमें उतर रहे हैं। सैम करन को पंजाब किंग्स ने रिकॉर्ड 18.5 करोड़ रुपए में खरीदा था। इसके अलावा बेन स्टोक्स को 16.25 करोड़ और हैरी ब्रुक को 13.25 करोड़ रुपए मिले। वही अन्य देशों के खिलाड़ियों पर भी पानी की तरह पैसा बहाया गया है।